जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आज बात करते हैं कि आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं या फिर टीवी पर पूरे दिन गेम या कार्टून चलाते हैं, यदि उनके बच्चों की आंख आपने देखी होगी पलक बार बार यदि झपकते हैं, कुछ बच्चों में एक आई की पलक बहुत ज़्यादा झपकते हैं एक नॉर्मल, तो यदि ऐसा आपके घर में कोई भी बच्चा है तो आपको ये वीडियो विशेष ध्यान से देखनी चाहिए। दोस्तों मेरा नाम सीबी सिंह और आप देख रहे हैं रुद्राई एंड हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे आज की डेट में मोबाइल टीवी लैपटॉप के माध्यम से अपनी आँख खराब करते जा रहे हैं। बहुत बच्चों में ये देखा गया कि ज़्यादा कार्टून देखने से, मोबाइल में गेम, टीवी में कार्टून या फिर बहुत ज़्यादा सुबह से शाम तक कंटिन्यू कई कई घंटे कम लाइट में मोबाइल चलाते हैं, तो अक्सर ऐसे बच्चों की ड्राइनेस की वजह से, ड्राइनेस के साथ साथ जब थकान होगी, आँखों को प्रॉपर नमी नहीं मिलेगी, उनकी नसों में थकान होगी, आँखों की नसों में ऐठन उनके होगी, क्योंकि जब ज़्यादा मोबाइल चलाएंगे तो ड्राइनेस भी होगी, ड्राइनेस के साथ साथ आँख थकी थकी भी फील होंगी। इसके साथ साथ कुछ बच्चों में बैंगापन का भी शिकार हो जाते हैं। उनका यही रीज़न है कि एक आँख या तो वो बंद रखते हैं या फिर वो लेट के गेम वगैरह चलाते हैं, तो जब एक आँख बंद रहेगी तो दूसरी आँख से डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, मोबाइल पर ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए उनका मोबाइल कम कराइए, क्योंकि टीवी वगैरह बच्चे जब देखते हैं तो अक्सर देखा होगा बैठ के देखते हैं, और मोबाइल ज़्यादातर बच्चे लेट कर देखते हैं। अगर बच्चे लेट कर मोबाइल यूज करते हैं तो उनकी आँखों में भेंगापन, आँख से पानी आना, या किसी किसी बच्चों में एक आँख से पानी आना, कुछ बच्चों की एक आँख बहुत ज़्यादा पलक झपकना, किसी कुछ बच्चों में दोनों पलकों से बार बार झपकना। तो दोस्तों ये मेन स्टार्टिंग के लक्षण होते हैं, क्योंकि अगर आपने ये सब अभी स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया तो बच्चों की धीमे धीमे आँख की रोशनी भी कम होती चली जाती है, जब कंटिन्यू आँख से पानी आएगा या बार बार पलक झपकते रहेंगे। तो दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप देखना है कि ये मोबाइल जब चलाते हैं तो कितनी देर चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, कितनी कमरे में लाइट रखते हैं, अगर लाइट प्रॉपर नहीं है, अगर थोड़ा बहुत बच्चे अगर चलाते हैं तब तो इसका इफ़ेक्ट इतना नहीं आता है, अगर बच्चे दो से तीन तीन घंटे, क्योंकि आज के डेट में बच्चे मोबाइल के आदि हो गए हैं, तो उनका मोबाइल से दूर करना आपके लिए भी एक चुनौतीपूर्ण है। तो आप एक साथ नहीं हटा सकते हैं, मगर ये कि आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर बच्चे बार बार पलक झपक रहे हैं या उनकी आँखों में बार बार आँख को मीड रहे हैं, आँख को रगड़ रहे हैं या फिर चिड़चिड़ापन फील कर रहे हैं, अगर बच्चे चिड़चिड़ा रहे हैं तो ये भी एक उनकी आँखों की, एक तो उनकी प्रॉपर आँख को नमी नहीं मिल पा रही है, ड्राइनेस हो रही है, इसलिए भी बच्चों में चिड़चिड़ापन फीलिंग होगी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके घर में यदि बच्चे लेट कर मोबाइल देखते हैं या लेट कर टीवी देखते हैं या लैपटॉप चलाते हैं या बहुत ज़्यादा कार्टून देखते हैं या गेम पर रहते हैं, तो उन पर आपकी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो देखा होगा छोटे छोटे बच्चों में कुछ समय के बाद जब कंटिन्यू मोबाइल चलाते हैं तो एक आँख से हल्का तिरछापन देखना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बच्चों में आज की डेट में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है कि ज़्यादातर एक आँख नॉर्मल रहती है, एक आँख बहुत ज़्यादा पलक झपकाते हैं। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि जो हमारी आँख झपकने का बच्चों का जो नॉर्मल है वो एक मिनट में 18 बार होना चाहिए। अगर बच्चे इससे ज़्यादा अगर पलक झपकाते हैं तो इसकी मानी उनको प्रॉपर नमी नहीं मिल रही है, उनकी आँख सूखी है, ड्राई है, इसके साथ साथ उनकी नसों में खिंचाव है। तो दोस्तों हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में मोबाइल बच्चे चलाते हैं तो आपको थोड़ा सा
ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल कम कराइए, नहीं अन्यथा आगे चल के बच्चों में या तो चश्मे लगेंगे, नंबर के साथ साथ उनको बैंगापन का भी हो सकते शिकार हो जाएं। इसके साथ साथ ड्राइनेस के साथ आँख से एक से पानी भी आ सकता है, क्योंकि जब एक साइड लेट कर देखेंगे तो ड्राइनेस के साथ पानी की भी शिकायत आ जाती है। पलक झपकना ये तो एक आम है, क्योंकि अगर मोबाइल वगैरह पे ज़्यादा रहते हैं तो बच्चों में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है इस टाइम पर कि बच्चे आँख एक साइड की पलक बहुत झपकते हैं, एक नॉर्मल रहती है। तो दोस्तों ये सब आपको बच्चों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपकी यूजफुल लगती है, आपको अच्छी लगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी वीडियो के माध्यम से आगे भी देते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।